अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चटपटी मसालेदार आलू बैंगन की सूखी सब्जी की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, आधा कप ताज़ा नारियल, 5 से 6 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को बारीक पीस लेंगे। यहाँ मैंने मसाले को पीस कर तैयार कर लिया। इसी तरीके से मसाला पीस कर तैयार कर ले। अब हम लेंगे कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, चुटकी भर हींग, 5 से 6 कड़ी पत्ते। 5 से 6 सेकेंड के लिए सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। यह मसाले को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का कटा हुआ आलू। उसी के साथ इसमें डालेंगे आधा कप जितना पानी। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ लिया है 1 टेबलस्पून जितना कांदा लहसुन मसाला। अगर आपके पास कांदा लहसुन मसाला नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड कर दो। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ आलू और मसाले को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके। अब हम इसमें डालेंगे 500 ग्राम हरे वाले बैंगन। मैंने बैंगन को इस तरीके से कट कर लिया है। सारे बैंगन को मसाले में डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ बैंगन आलू को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे आधा कप जितना पानी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। यहाँ बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ। आप भी मसालेदार चटपटी आलू बैंगन की सब्जी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।